सो आज का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है, इन फर्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सेशन में मोस्टली हिंदी में ही लेने वाला हूँ, पूरे सीरीज हिंदी में ही कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग CCNP एनकोर के जो कोर्स कंटेंट है सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से कौन कौन से कोर्स कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले, कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन राइट नाउ? हेलो, या ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोर्स कंटेंट बनाया है। अभी अगर सिस्को ब्लूप्रिंट के मुकाबले जाते हो तो सिस्को ब्लूप्रिंट में CCNP एनकोर एंड CCNP CCIE एनकोर, ओके। सो इन्होंने क्या किया है, दोनों मॉड्यूल को मिक्स करके काफी बड़ा ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन मैंने उस चीज को सेग्रीगेट किया एक प्रॉपर फॉर्मेट में, जिसकी वजह से हमें सीखने में और समझने में काफी आसानी होने वाली है आने वाले सेशन के अंदर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राउटिंग पार्ट, ओके। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्विचिंग पार्ट और CCNP एनकोर सिक्योरिटी पार्ट और CCNP एनकोर IP सर्विसेज एंड द नेटवर्क ऑटोमेशन प्रोग्रामिटी। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द राउटिंग पार्ट एंड वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। सो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते कि एनकोर में राउटिंग में क्या टॉपिक्स है। हम लोग थोड़ा बहुत CCNA के लेवल पे भी रिलेट करने वाले हैं, लेकिन देखते कि एनकोर में क्या चीजें एडवांस हमें सीखने को मिलने वाली। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक राउटिंग, ओके। सो एक काम करता हूँ, मैं एपिक पेन ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा हेल्प हो जाएगा इससे। द फर्स्ट वन इज द स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग हमने CCNA लेवल पे भी सीखा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी सीखा है, लेकिन हम लोग अब स्टैटिक राउटिंग, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग क्या है वो देखने वाले हैं। ये CCNP का कंसेप्ट है। अभी CCNA के अंदर ये चीजें ऑलरेडी है, लेकिन हम लोग ये सेम चीजें यहाँ पे भी देखने वाले थोड़े डिटेल मैनर में। प्लस फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग एक नया कंसेप्ट है, रिडंडेंसी ऑफ स्टैटिक राउटिंग ये भी नया कंसेप्ट है, जो ये सभी चीजें आपको CCNA में देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे मैंने काफी चीजें कंप्लीटेड कंप्लीटेड लिखी हुई है, ये मेरे कुछ प्रीवियस सेक्शन के बारे में, प्रीवियस सेशन जो मैंने कंप्लीट किया है उसके बारे में, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड लिखा है। आपके बैच के लिए भी मैं एक एक्सेल शीट बनाऊंगा, जो भी टॉपिक्स हमारे कवर होंगे उसके आगे में मैं कंप्लीटेड कंप्लीटेड लिखने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट वन इज द स्टैटिक राउटिंग, जिसके अंदर हम लोग फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग ये नया कंसेप्ट है ये भी सीखने वाले। उसके डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर मैं NA लेवल की बात करता हूँ, तो अभी NA लेवल में से अगर देखा जाए तो EIGRP प्रोटोकॉल या तो फिर OSPF प्रोटोकॉल एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 एंड वर्जन 2, ये सभी के सभी NA में आते हैं, लेकिन NP के अंदर ओनली उन्होंने OSPF कवर किया है। OSPF का भी एडवांस वर्जन एज वेल एज EIGRP का भी एडवांस वर्जन। NP के अंदर आपको रिप वर्जन 1 वर्जन 2 देखने को नहीं मिलेगा, और आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, वो है BGP प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। दैट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल जो मेरा फेवरेट प्रोटोकॉल है। तो OSPF के अंदर आपने CCNA लेवल पे बेसिक कंसेप्ट, सिंगल एंड मल्टी एरिया OSPF कॉन्फ़िगरेशन देख चुके, लेकिन NP में रिडंडेंट लिंक, नेटवर्क टाइप्स, DRBDR, डिफॉल्ट राउट, OSPF डिफॉल्ट राउट, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें देखने को मिलने वाली है। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग उसके अंदर वो सभी टॉपिक्स एंड चीजें कवर अप होने वाली है। द नेक्स्ट वन इज EIGRP प्रोटोकॉल्स। EIGRP प्रोटोकॉल्स में बेसिक चीजें जो हम लोग NA लेवल पे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको काफी सारे एडवांस चीजें देखने को मिलने वाली है, लाइक समराइजेशन OSPF, EIGRP समराइजेशन, IPv6, दैट्स अ कंप्लीट टॉपिक, HSRP, VRRP, GLBP, दिस प्रोटोकॉल्स भी आपको यहाँ पे सीखने वाले हैं। एज वेल एज BGP के अंदर काफी सारे टॉपिक्स है, एट्रीब्यूट से, उसके प्रैक्टिकल से, IBGP, EBGP नेबर, BGP प्रोटोकॉल क्या है, तो कम्प्लीटली फ्रेश हम लोग यही से सीखने वाले। हालांकि अभी हम लोग फिलहाल स्विचिंग एंड बाकी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस नहीं करते, जैसे हमारा स्विचिंग कंसेप्ट स्टार्ट होगा हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके। सो मैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको लेके चलता हूँ और हम लोग वहाँ पे स्टार्ट
स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। सो लेट मी ओपन माय नोटपैड। ओके गिव मी वन मिनट। हाँ जी यस यस डेफिनेटली यस श्योर मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग क्या है, किस तरीके से हम लोग उसको एसोसिएट लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाने वाले हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके थैंक यू। ऑलराइट थैंक यू सो मच। तो स्टैटिक राउटिंग, अब स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने ये प्रोटोकॉल इसके पहले भी सीसीएनए लेवल में सीखा है, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग क्या करता है, स्टैटिक राउटिंग के अंदर ना कुछ फीचर्स होते हैं। जस्ट अज्यूम मेरे पास 3 राउटर है, यहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्टेड है डायरेक्टली 1.0.0.0, यहाँ पे 2.0.0.0 और जस्ट अज्यूम यहाँ पे 3.0.0.0, ये 3 नेटवर्क है। अभी राउटर 1 क्या बोलता है, राउटर 1 बोलता है कि मेरे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो है 1.0.0.0, ओके दैट्स कूल। राउटर 2 बोलता है मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 1.0.0.0 एंड 2.0.0.0। राउटर 3 बोलता है मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 3.0.0.0। यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब मैंने राउटर 1 को पूछा क्या आप 3.0.0.0 के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, मतलब पिंग पोंग कर सकते हो, सो राउटर 1 ने आंसर दिया मैं 3.0.0.0 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। फिर मैंने पूछ लिया क्यों नहीं कर सकते, तो उनका सिंपल सा आंसर आ गया। उनका आंसर कुछ इस तरीके से आया, उन्होंने बोला कि जब तक उस नेटवर्क की एंट्री अगर मेरे राउटिंग टेबल में नहीं होती है तब तक मैं इस नेटवर्क को रीचेबल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास मल्टीपल नेटवर्क्स है, डिफरेंट नेटवर्क्स बोल सकते हैं हम लोग, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स है, अगर डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए या करना है तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, लेकिन मेजरली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डायनामिक एंड IGP EGP बोल सकते हैं हम लोग, IGP राउटिंग प्रोटोकॉल एंड द EGP राउटिंग प्रोटोकॉल। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, दिस इज द फर्स्ट वन प्रोटोकॉल टाइप। द सेकेंड वन इज अ स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल इज लाइक अ कजिन ब्रदर ऑफ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ये कोई डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। लुक्स वाइज भी सेम है, इसके थोड़े बहुत फीचर्स भी सेम है, बट इसके अंदर कुछ चीजें स्टैटिक के मुकाबले एडवांस भी बोल सकते हैं हम लोग, या तो थोड़ी डिफरेंट प्रोटोकॉल की फीचर्स है जो कि हम लोग देखने वाले। द थर्ड वन इज द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी 3 टाइप्स आते हैं। The first one is a distance vector routing protocol, next one is a link state routing protocol and the last one is a hybrid routing protocol. Distance vector routing protocol में जिस routing protocol का समावेश होता है वो है RIP version 1, version 2. Link state routing protocol में समावेश होता है OSPF as well as ISIS protocol and hybrid routing protocol में EIGRP, ये protocol का समावेश होता है। ये तो समझ लिया हम लोगों ने कि किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, ये तो सब चीजें हम लोगों ने समझ लिया। सो नाउ हमारा जो मेनली कंसर्न है वो है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का। अभी यहाँ पे जो मेरे पास टोपोलॉजी दिख रही है जिसके अंदर 3 राउटर्स है, राउटर 1 बोलता है कि मैं 3.0.0.0 इस नेटवर्क के पास रीच नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड और उस पर्टिकुलर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मेरे राउटिंग टेबल में नहीं है। सो हमें कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके कम्युनिकेशन करना है, सो मैंने सिलेक्ट किया है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल।
फर्स्ट पॉइंट इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल वी हैव टू कॉन्फिगर मैन्युअली, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ये थोड़ा सा स्मार्ट प्रोटोकॉल नहीं है। अगर मैं पुराने जमाने के मोबाइल की बात करता हूँ, आज से कुछ 10-12 साल पहले नोकिया कंपनीज के मोबाइल काफी ज्यादा फेमस हुआ करते थे। आज की डेट में नोकिया भी थोड़ा स्मार्ट मोबाइल के अंडर कैटेगरी में आ गया, लेकिन अगर 10 साल पहले की बात करता हूँ तो ये प्रोटोकॉल, ये मोबाइल ज्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास ना एक लिमिटेड रिसोर्सेस होता था, उसी रिसोर्सेस के ऊपर हमें काम करना पड़ता था। दे आर नॉट अ स्मार्ट मोबाइल। लेकिन आज की डेट में ऐसे काफी सारे स्मार्ट मोबाइल आ गए जिसके अंदर आप देख सकते हैं गूगल के फीचर्स होते हैं। लाइक जैसे कि आपने मोबाइल ओपन किया और उनको बोल दिया, हे गूगल प्ले एनी सॉन्ग, तो कोई भी एनी सॉन्ग वो प्ले करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज दिस आर द स्मार्ट प्रोटोकॉल। इफ आई कंपेयर स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल विद डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, सो यस, मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज नॉट दैट मच स्मार्ट एज कम्पेयर टू द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। वो क्यों, वो हम लोग थोड़ी देर में मैं इसको प्रूव करने वाला हूँ। एनीवेज, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमें मैन्युअली कॉन्फिगर करना पड़ता है, लेकिन जब हमें मैन्युअली कॉन्फिगर करना है तो हमें इसके फायदे भी है, ऐसा नहीं कि नुकसान ही है, इसके फायदे भी है। जैसे कि अगर मैं पुराने नोकिया मोबाइल के बारे में बात करूंगा, ये ज्यादा स्मार्ट नहीं होते थे, तो इसके अंदर वायरसेस आने की क्षमता काफी कम होती थी। जो हैकर्स लोग रहते थे वो ऐसे मोबाइल को हैक करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, जिसके अंदर इंटरनेट फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। कुछ कुछ ऐसे मोबाइल थे तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़े से सही थे, लेकिन अगर मैं देखूँ तो एडवांस लेवल के मोबाइल, जो आजकल के मोबाइल एंड्रॉयड, तो इसमें हैक करना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। तो बोल सकते हैं कुछ एडवांटेजेस होते कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में ये डिसएडवांटेजेस भी था। सो एडवांटेज जो कि है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, यू हैव टू कॉन्फिगर मैन्युअली, हर चीज आपको यहाँ पे मैन्युअली कॉन्फिगर करने की जरूरत पड़ेंगे इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू नीड टू नो द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप उसको कॉन्फिगर नहीं कर पाओगे, सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो द डेस्टिनेशन। ठीक है, सो मैंडेटरी नीड टू नो द डेस्टिनेशन। अगर राउटर 1 को राउटर 3 के 3.0.0.0 इस नेटवर्क के पास जाना है तो इस राउटर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से जा सकते हैं। जस्ट कंसिडर कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो ब्रिज, राइट, मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ अभी फिलहाल। आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपको आना है पूना, ठीक है, तो आप जब रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे जाते हो फ्लाइट का टिकट निकालने या तो फिर रेलवे स्टेशन पे रेल का टिकट निकालने, तो जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको पूछता है कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, तो आप उनको बोलते हैं कि भैया मुझे पूना जाना है। गॉट इट, मतलब जब तक आपको डेस्टिनेशन पता है तभी आप जा सकते हो। अगर आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है, वो पूछते कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, आप बोलेंगे मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, तो वो बोलेगा कि फिर आप यहाँ पे आए क्यों। गेटिंग माई पॉइंट, तो हमेशा हमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, हमें डेस्टिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टॉप आईपी एड्रेस भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉप आईपी एड्रेस क्या होता है उसका भी मैं मतलब बता देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ ताकि हम लोगों को और आसानी हो जाए आगे की चीजें समझने में। ओह सॉरी, ये बड़ा हो गया, ठीक है। सेम टोपोलॉजी में फिर से बना रहा हूं, 1.0.0.0, 2.0.0.0 एंड 3.0.0.0। ओके, राउटर 1 को 3.0.0.0 के पास जाना है। अभी नेक्स्ट स्टॉप का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट स्टॉप मतलब बाहर जाने का रास्ता। सेम एज अगर मेरे पास कुछ बिल्डिंग से कुछ इस तरीके से, तो मुझे फर्स्ट बिल्डिंग से थर्ड बिल्डिंग के पास जाना है। ये मेरा फर्स्ट, ये थर्ड एंड ये सेकंड, तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं डायरेक्टली इसके ऊपर से जंप करके तो नहीं जा सकता, ऑब्वियसली बात है। स्पाइडरमैन मूवी आ गई है मार्केट में, लेकिन हम लोग स्पाइडरमैन तो है नहीं, करेक्ट, तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो लॉजिक ये बोलता है कि अगर मुझे जाना है तो मैं अपने डोर से निकल के जो मेरा फर्स्ट डोर मिलने वाला है दैट इज माय नेक्स्ट स्टॉप, भले मैं थर्ड नंबर के बिल्डिंग में जाऊँ या तो फोर्थ नंबर के बिल्डिंग में जाऊँ, जाना तो मुझे यही से है।
देखिए ये तो मेरा खुद का डोर है, नेक्स्ट स्टॉप मतलब नेक्स्ट डोर, तो मुझे जाना यही से है, ठीक है, सो दैट वुड बी अ नेक्स्ट स्टॉप। तो मैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब भी करता हूँ तो मुझे दो चीजें याद रखना है, द फर्स्ट वन इज द डेस्टिनेशन सबनेट डेस्टिनेशन आईपी एंड द सेकंड इंफॉर्मेशन इज नेक्स्ट हॉप और वी कैन से एज अ एग्जिट इंटरफेस। ये दो चीजें हमें समझ में आ गई, इतना ही हमें स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल में समझना है और इतना अगर हमें समझ में आता है तो हमारा काम बन गया। Got it, Bridge? Any doubt? Do you want to ask anything here? Okay, fine. मैं बाकी दोनों को इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ बिकॉज उनका ऑलरेडी हो चुका है सीसीएनपी, वो जस्ट रिवाइज करने के लिए बैठे हुए, सो दे आर जस्ट कनेक्टेड नाउ, दैट्स इट। नहीं आपका सीसीएनए हुआ है लेकिन जो बाकी आपके साथ दो स्टूडेंट भी कनेक्टेड है उनका एनपी ऑलरेडी हो चुका है, वो जस्ट ब्रशअप करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्होंने काफी पहले किया था, ब्रशअप करने के लिए बैठे हुए, ठीक है। सो यस, सो दैट्स द ओनली रीजन आई एम फोकसिंग ऑन यू, तो मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर करना है। आपको कुछ भी डाउट आता है आप मुझे बीच में रोक सकते हो, बोल सकते कि सर ये चीज मुझे नहीं समझी, फिर से बताओ, फिर से नहीं समझी तो फिर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो अभी हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने वाले, तो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम लोग कॉन्फ़िगर करने के लिए इस बार हम लोग पैकेट ट्रेसर का यूज नहीं करने वाले। तो अगर हमारे पास पैकेट ट्रेसर नहीं है तो हम लोग कौन से डिवाइसेस का यूज करेंगे, कौन से टूल या सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, क्या तुम्हें पता है कुछ इसके बारे में? हम लोग एडवांस लेवल के टूल भी यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। ओके मैं बताता हूँ, तो हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है GNS3, ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर 3 वर्जन 3। ये एक टूल है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं और इसका भी एक एडवांस टूल आता है जिसको बोलते हैं EVENG। EVENG ये एक नया टाइप का सिमुलेटर है जिसके ऊपर आप CCNP CCI लेवल तक के प्रैक्टिकल्स कर सकते हो, जो कि मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है। हालांकि मैं NP के लिए ऑलरेडी करता हूँ, CCI के लिए भी ऑलरेडी करता हूँ, लेकिन जो बैचेस है मैंने बैचेस के लिए अभी GNS3 के मुकाबले EVENG और UNL जो कि इसका ओल्डर वर्जन है इसका यूज करना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले तो EVENG के ऊपर लेके चलता हूँ, मतलब UNL के ऊपर, एंड लेट्स सी हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स। तो इसका सेटअप किस तरीके से करना है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नॉट इन द ट्रेनिंग बट डेफिनेटली मैं आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास कुछ iOS है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आप अपने प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज माई टूल, मैंने काफी सारे टोपोलॉजीज एंड लैब्स बनाई है, आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा कि कौन सी लैब्स हम लोग यूज करने वाले। सो हम लोग अभी फिलहाल तो न्यू लैब बना रहे, सो न्यू लैब का नाम मैं दे देता हूँ स्टैटिक राउटिंग, थ्री राउटर्स ले लेते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे ना आपको स्विचेस पीसी लेने की जरूरत नहीं है, उसका भी मैं शॉर्टकट बता दूंगा, वर्जन आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का कोई वर्जन है हम लोगों को उसको मेंशन करना है, अगर मैं वर्जन 100 भी देता हूँ तभी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे 3 राउटर्स ये कॉन्फ़िगर किया, इसको ओपन करना है, ये मेरे पास ब्लैंक इमेज दिख रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके नोट्स, नोट्स मतलब डिवाइसेस, ठीक है। अभी ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है ये सब चीजें के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा, या तो फिर मेरे पास जो ट्रेनर है वो आपको हेल्प कर देंगे जिसके जिनके थ्रू आप ये कंप्लीट सेटअप बना सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ स्टिल आपको कभी अभी भी डाउट है या इन फ्यूचर कभी डाउट आता है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप ग्रुप में मैसेज करो, ट्रेनर को मैसेज करो, मुझे पर्सनल मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। राइट क्लिक करके ऐड नोट्स, नोट्स मतलब डिवाइसेस। अभी यहाँ पे डिवाइसेस काफी सारे टाइप्स के आप देख सकते हैं, अरोबा के भी है, चेक पॉइंट है, सिस्को ASA, सिस्को IOL, VS2, उसके बाद एक्सट्रीम स्विचेस, ऐसे काफी सारे हैं, लेकिन हमें जिसकी जरूरत है वो है सिस्को डिवाइसेस।
इस मीन्स सिस्को IOL, दिस आर द डिवाइसेस। ओके, कितने डिवाइसेस चाहिए हमें? तीन राउटर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इमेज ऑलरेडी सेट है क्योंकि L3 मतलब राउटर डिवाइस। आपका नाम होना चाहिए R से, तो इसलिए मैंने राउटर को R किया। अगर मुझे पूरा नाम चाहिए तो मैं राउटर लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं R ही लिखता हूँ। बाकी कोई ही चीजें आपको चेंज करने की जरूरत है, ऑल अदर डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत है, जस्ट क्लिक ऑन द सेव। ओके, सो अभी मेरे पास तीन डिवाइसेस आ चुके हैं, दिस इज माय राउटर 3, दिस इज माय राउटर 2 एंड दिस इज माय राउटर 1। कनेक्टिविटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिख रहा है कनेक्ट नोड्स, जैसे आप इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो ये स्लाइड ऑटोमेटिक हो जाता है। कनेक्ट नोड्स Ethernet 0/0 टू Ethernet 0/0, ओके कनेक्ट हो गया। Ethernet 0/1 टू Ethernet 0/1 कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी बना ली है। अभी क्या होता है कि यहाँ पे ना मैं स्विचेस का यूज नहीं करने वाला हूँ। जनरली हम लोग पैकेट ट्रेसर के अंदर, शायद आपको याद हो, पैकेट ट्रेसर के अंदर हम लोग यहाँ पे स्विच कनेक्ट करते थे और स्विच के बाद यहाँ पे PC कनेक्ट करते थे, कुछ इस तरीके से। जैसे कि PC का IP जैसे 1.1.1.1, तो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते थे 1.10। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे थोड़े डिफरेंट तरीके से करेंगे ताकि हम लोग अपना टाइम सेव कर सके। तो वो किस तरीके से करना है वो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, हम लोग कभी भी जब भी टोपोलॉजी बनाते तो इतना प्रॉपर तरीके से बनाओ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो समझने में। सो IP एड्रेस इज 1.1.1.2, मैं इसका फॉन्ट साइज 15 कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट में कर देता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द कलर, आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो। थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ये डुप्लीकेट करने से मेरा काम थोड़ा आसान हो रहा है, इसलिए मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं। ऑलराइट, ठीक है, तो इतना तो मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन यहाँ पे ना और एक चीज मुझे कॉन्फ़िगर करना है। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग इसके पहले स्विचेस एंड यूजर पीस लेते थे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्विचेस एंड द यूजर पीसेस, हम लोग क्रिएट करेंगे लुकबैक्स। लुकबैक क्या होता है? एक लुकबैक ना लॉजिकल इंटरफेस होता है। ठीक है, लॉजिकल मतलब हम लोग उसको लॉजिकली थिंक करने वाले, लॉजिकल सोचने वाले। तो वो किस तरीके से लेंगे? सो यहाँ पे मैं लुकबैक लेता हूँ, उसका IP एड्रेस दे देता हूँ 10.10.10.10। जस्ट अज्यूम दिस इज माय यूजर PC IP एड्रेस, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। राउटर 2 के ऊपर 20.20.20.20 ये लुकबैक बना देता हूँ। राउटर 3 के ऊपर मैं जो लुकबैक बनाता हूँ वो है 30.30.30.30 एंड देखा जा सके तो ये मेरे /32 लेने वाला हूँ मैं। इसका सबनेट मास्क /32 लूंगा, इसका भी सबनेट मास्क में एज ए /32 लेने वाला हूँ एंड थर्ड नंबर का है इसका भी मैं सबनेट मास्क एज ए /32 लेने वाला हूँ। सो ये तो मेरे हो गए सभी डिवाइसेस का IP एड्रेसिंग। अभी मुझे काम करना है इसके ऊपर, CLI एक्सेस लेना है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जब तक इसको स्टार्ट नहीं करता हूँ तो डिवाइसेस स्टार्ट नहीं होते। पैकेट ट्रेसर के अंदर ऐसा नहीं है, जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया डिवाइसेस ऑटो स्टार्ट होते। तो यहाँ पे राइट क्लिक एंड द स्टार्ट सेम एज सभी डिवाइसेस पे करना है। एंड राइट हैंड साइड पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आते हैं। ठीक है, तो ये तो काफी अच्छी चीज दिया है इस टूल के अंदर। सो मेरे तीनों डिवाइसेस स्टार्ट हो चुके। अभी सिंगल क्लिक करके मैं इसको एक्सेस ले सकता हूँ और मैं सजेस्ट करूंगा इसको, अगर आपको चलाना है, इसको यूज करना है तो डेफिनेटली आप यूज करो, लेकिन फायरफॉक्स के अंदर यूज करो। तो फायरफॉक्स के अंदर ना कुछ यूटिलिटीज है जो जिसके ऊपर आप आसानी से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये पुट्टी का विंडो ऑटोमेटिक तरीके से आ सकता है। इनकेस अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से फेच करने की जरूरत है। सो इट विल टेक सम टाइम्स बिकॉज ये एक्चुअली रियल IOS है, जो आप रियल प्रोडक्शन में काम करोगे सेम IOS है। इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कि जो आप रियल प्रोडक्शन में करते हो तो यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ चलेगा। तो सबसे पहले पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। कभी आपने रियल डिवाइसेस के ऊपर काम किया होगा तो आपको देखने को मिलेगा सेम इसी तरीके से देखने को मिलता है, कुछ भी चेंज नहीं, A to Z कमांड्स आ सेम।
बिकॉज दिस आर द रियल ओएस, इट्स नॉट अ डुप्लीकेट नहीं बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट अ पायरेटेड वन और नथिंग लाइक दैट, इट्स अ रियल वन। ये आपको जेन्युइन लाइसेंस वगैरह मिलते हैं, आप उससे बाय कर सकते हो। अदर्स आई विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू इंटीग्रेट एंड ऑल दोस थिंग्स। गूगल पे काफ़ी सारी इमेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, कुछ लोगों ने अपलोड किया है, डेफिनेटली मैं हेल्प कर दूंगा उसके बारे में। सो सबसे पहले तो बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करता हूँ, होस्ट नेम R1, ओके। सेकंड डिवाइस है उसका भी होस्ट नेम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा कन्फ्यूजन ना रहे, होस्ट नेम R2। अगर मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ तो आप मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा कॉन्फिगरेशन करते समय, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ कभी कभी इसलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फिगरेशन। इंटरफेस इतने 0/0 IP address 1.1.1.25500 क्या करना है, यहाँ पे मैं स्विच एंड यूजर पीसी तो नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब मेरे पास स्विच एंड यूजर पीसी नहीं है तो मैं ये लुपबैक कॉन्फिगर कर रहा हूँ एज अ लॉजिकल। डन /32, ओके। एंड हाउ टू चेक द आईपी एड्रेस, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे आप ये कमांड चलाते हो तब आपको पता चलता है कि मेरे पास इतने 0/0 को तो आईपी एड्रेस दिया है और उसके बाद मैंने लुपबैक 0 को भी आईपी एड्रेस दिया है, ठीक है। आप एन नंबर ऑफ लुपबैक क्रिएट कर सकते हो, मतलब इसका मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। जस्ट अज्यूम यहाँ पे आपके पास एक स्विच है और इसको आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है पीसी को, और पीसी का आईपी एड्रेस 10.10.10.10, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरीके से कॉन्फिगर कर चुके हैं। अगर आपको और एक लूपबैक क्रिएट करना है, मतलब आप और एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको और एक लूपबैक क्रिएट करना है तो इसका मतलब और एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। पैकेट ट्रेसर में आपको कुछ इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी देखने को मिलता, जिसकी वजह से आप थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। इससे क्या होता है कि आपका टोपोलॉजी में ज़्यादातर स्विचेस एंड यूजर पीसी देखेंगे। अभी हम लोग वही सेम चीज़ कर रहे हैं लेकिन थोड़ा आसान तरीके से। एक्चुअल में अगर हम लोग फिजिकली देखा जाए तो हमारा टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं ब्रिज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, ओके ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा फिजिकल, बट लॉजिकली हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इंस्टेड ऑफ यूजर पीसी मैं लुपबैक का यूज कर रहा हूँ, ओके। सो सेकंड डिवाइस कॉन्फिगर करते, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस इतने 0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.2.25500 नो शटडाउन। इंटरफेस इतने 0/1 आईपी एड्रेस 2.2.0 समथिंग इज मिसिंग, इट्स करेक्ट आईपी एड्रेस, ओके करेक्ट 2.2.2.1 एंड द सबनेट मास्क एज वेल एज आई नीड टू क्रिएट अ लुपबैक। लुपबैक इज नथिंग बट अ नेटवर्क, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप देख सकते हैं मैंने तीनों इंटरफेसेस कॉन्फिगर कर चुका हूं। द लास्ट वन डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड एज अ राउटर 3 इंटरफेस इतने 0/1 आईपी एड्रेस 2.2.2.2.25500 नो शटडाउन। इंटरफेस लुपबैक 0 आईपी एड्रेस 30.30.30.30 एंड नो शटडाउन। अभी गलती से मैंने ये लुपबैक क्रिएट कर लिया था, बट कोई जरूरत नहीं, हमें इसके ऊपर यानी इसके ऊपर ही फोकस करना। So my basic IP addressing is done. Now, Bridge, I have question for you. अभी आपको मुझे बताना है कि static routing किस तरीके से मैं यहाँ पे configure कर सकता हूँ। So my first question is here. हमारे पास total कितने networks है in topology? क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ये, तो आप मुझे बताओ कि हमारे पास total कितने networks है in my topology? बताइए,
पूरे पूरे टोपोलॉजी में पूछ रहा हूं मैं। चलो ठीक है, जो भी जो ओके बताइए कौन कौन से। 1.0.0.0, 1.1.1.1 इज आईपी एड्रेस। ओके नेक्स्ट वन इज ओके करेक्ट एग्जैक्टली ऑल राइट एग्जैक्टली दैट्स अ करेक्ट आंसर। ओके सो हमारे पास टोटल 5 नेटवर्क है जो कि मैंने यहां पे नोट डाउन कर चुका हूं। ओके सो अभी मेरा और एक क्वेश्चन, R1 के ऊपर डायरेक्टली कनेक्टेड कितने नेटवर्क है? एग्जैक्टली दैट्स द करेक्ट आंसर। R2 के ऊपर करेक्ट, एंड R3 के पास एग्जैक्टली दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके सो दो क्वेश्चन के आंसर तो आप बराबर दे चुके हो। अभी लास्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर मुझे बताओ, R1 के पास पूरे टोपोलॉजी में जितने भी नेटवर्क है उसमें के कौन से नेटवर्क R1 के पास नहीं है, सो वी कैन कंसिडर एज अ मिसिंग नेटवर्क। कौन से ऐसे मिसिंग नेटवर्क है? करेक्ट ऑल राइट करेक्ट ऑल राइट करेक्ट दैट्स अ करेक्ट आंसर। सेम थिंग फॉर डिवाइस टू मिसिंग यस टेल मी करेक्ट एग्जैक्टली। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हु एल्स जॉइंड इन द मीटिंग, वेट फॉर अ टाइम। ओके प्रशांत वेलकम प्रशांत। हेलो वेलकम प्रशांत। एग्जैक्टली एंड ऑल राइट कूल और एग्जैक्टली ओके दैट्स द करेक्ट आंसर। ओके अभी हम लोगों ने ना ये टोपोलॉजी को काफी आसान बना दिया। अभी आसान बना दिया तो हमारे पास फायदे किस तरीके से वो हम लोग समझते। अभी हम लोग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फिगर करने वाले, तो स्टैटिक राउटिंग में मुझे पता चल गया कि मुझे कौन से नेटवर्क कॉन्फिगर करना है। दिस आर माई डेस्टिनेशन नेटवर्क राइट, दिस आर माई डेस्टिनेशन नेटवर्क एंड दिस ऑल्सो आर माई डेस्टिनेशन नेटवर्क जो कि मुझे कॉन्फिगर करना है। ठीक है अभी क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्लास ए के नेटवर्क है या क्लास बी के है या क्लास सी के? एग्जैक्टली जब क्लास ए के नेटवर्क यूज करते तो हम लोग बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या यूज करते हैं? ऑलराइट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चंस, आई जस्ट वांट टू नो कि आपका CCNA प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं, क्या मुझे उसको थोड़ा ब्रशअप करने की जरूरत है, बट आई कैन सी तुम्हारा CCNA काफी अच्छी तरीके से हुआ है। ठीक है एनीवेज दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, आई रियली अप्रिशिएट फॉर यू फॉर दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स। सो यस आपने एग्जैक्ट करेक्ट आंसर दिया। अभी हम लोग जंप करते हैं कॉन्फिगरेशन के ऊपर। सो राइट नाउ आई एम ऑन राउटर 1, इफ आई सी हियर शो आईपी राउट आई कैन सी here C is stand for the connected, आप यहाँ पे notice कर सकते हो, and the second one is L. What is L? L is stand for the local, right? So आप यहाँ पे बता सकते हो connected and local में क्या difference है? दिखने में तो same ही दिख रहे, लेकिन difference क्या है? Exactly, that's the difference. Okay, so local it means the IP address which we have configured on router's interface, and the connected that means it is showing you the network,
which network you have connected on your routers. Okay, same thing for the C stands for the connected. Okay, that why it is showing like this, because hum logon ne isko /32 configure kiya, not as a /24/8. Okay, so remember, so let's start with the static route configuration. अभी स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक फार्मूला का यूज करना पड़ता है. फार्मूला इज वेरी सिंपल, आईपी राउट, नेक्स्ट वन इज अ डेस्टिनेशन, नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, एंड द लास्ट वन इज अ गेटवे, और वी कैन से एज अ नेक्स्ट हॉप एग्जिट इंटरफेस हम लोग इसको बोल सकते हैं. इसका फॉन्ट साइज मैं बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, एंड इसको थोड़ा बोल्ड फॉर्मेट में. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग. एनीवेज, हमें फार्मूला तो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी सब चीजें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं. एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. लेट मी जंप टू द राउटर वन, आईपी राउट. चलो बताओ अभी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. 20.2.0.0.0 इस नेटवर्क के लिए मुझे कॉन्फिगर करना है, राइट? Okay, what will be the subnet mask for this network? 255.0.0.0, correct. And the exit interface? Exactly, that's the correct one. Okay, so next network is IP route 20.0.0.0.255.0.0.0.1.1.1.2. Why I am using the same exit interface, or we can say the same next hop? Because अगर मैं नोटिस करता हूँ, अगर मुझे 2 के नेटवर्क या 20 के नेटवर्क के पास जाना है, मतलब 2 का नेटवर्क मतलब दिस नेटवर्क और 20 का नेटवर्क मतलब दिस नेटवर्क, इफ आई वॉन्ट टू गो, सॉरी वन मिनट, ऑलराइट, इफ आई वॉन्ट टू गो दिस नेटवर्क, सो आई नीड टू क्रॉस दिस गेटवे और दिस एग्जिट पॉइंट. सो दैट्स द ओनली रीजन. अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे राउटर वन के ऊपर, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 1.2 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है. लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन, यू कैन सी इट हियर. क्लियर? नाउ लेट मी डू इट फॉर थर्ड वन, इज आईपी राउट 30.0.0.0.255.0.0.0. चलो अभी बताओ मुझे इसके लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा. Exactly. काफी सारे लोग ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं. वो लोग क्या करते हैं, 2.2.2.2 डालते हैं. बट एक्चुअली दैट्स द रॉन्ग वन. इट दे आर आस्किंग अबाउट द नेक्स्ट स्टॉप, तो हमें नेक्स्ट स्टॉप ही डालना है. ठीक है, तो इस बात का हमेशा से ध्यान रखना. तो दैट्स इट, दिस आर द 3 मिसिंग नेटवर्क्स ऑन राउटर 1 व्हिच वी हैव कॉन्फिगर्ड इट हियर. नाउ इफ आई चेक हियर शो आईपी राउट विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस. राइट, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं शो आईपी राउट का आउटपुट. जैसे हम लोग शो आईपी राउट ये कमांड का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क है 10 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क, 1 का नेटवर्क एंड 2 का नेटवर्क. सो दैट मीन्स आई कैन सी टोटल 5 नेटवर्क्स आ रही है, राइट? सो जो मुझे स्टैटिकली 3 कॉन्फिगर नेटवर्क किए थे मैंने, शो आईपी राउट स्टैटिक ये कमांड का अगर मैं यूज करता हूँ, तो मैं ओनली वही नेटवर्क देखता हूँ जो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड है, राइट? कोई डाउट यहाँ पे, आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ऑल गुड, ऑल राइट. तो यहाँ पे देखता हूँ मैं स्टैटिकली, सेम थिंग मुझे कॉन्फ़िगर करना है राउटर 2 के ऊपर. सो राउटर 2 के ऊपर ना 2 ही नेटवर्क है, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करते समय ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले तो मैं 30 के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ. सो हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी राउट 30.0.0.0, द सबनेट मास्क इज 255.0.0.0 एंड द गेटवे इज कैन यू टेल मी व्हाट इज द गेटवे, लाइक मींस आर यू श्योर? ऑल राइट, दैट्स द करेक्ट आंसर. एंड फॉर द नेटवर्क 10.10.10.0.0.0, can you please tell me what is the next stop or how?
Exactly, that's the correct answer. And how I can check the static route? Show IP route static. All right, okay. So the next one is router 3. So router 3, which I'm going to configure it here. And configuration is here. IP route 20.0.0.0.255.0.0.0 and gateways 2.2.2.1, correct? Let me know. If I am doing any mistake, just let me know, correct me. See, this is how I have configured. Little bit shortcut method I am using it here, because every time I don't need to write every command, each command. Got it? Show IP route static. Cool. Everything is clear and perfect. Okay. So now, if I try to ping from one router 1 to 30.30.30.30, will it be pingable? Can you please tell me yes or no? I just want to ping this IP address. Yes, it will. Yes, pingable. Let me see. It is reachable. But I'm sorry, guys. Actually, I'm continuously getting one call. All right. Sorry. Anyways, we can start. So pingable. But now, if we are using the packet tracer, so packet tracer mein aap log kya karte the? Packet tracer mein aap user PC se ping karte the is wale IP address, matlab ek another user PC ko. But how we can do it in GNS3 or EVNG or jo main platform use kar raha UNL, iske upar hum log kis tarike se kar sakte? To iske upar hum log ek command ka use kar sakte, ping 30.30.30.30 source loopback 0. इससे क्या होगा, जो हमारा लूपबैक आईपी एड्रेस है तो 10.10.10.10 इससे पिंग जा रहा है इसके पास। इन केस अगर मेरा लूपबैक 0 डाउन हो जाता है, शटडाउन, ओके, नाउ यू कैन सी इन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप देख सकते हो मेरा लूपबैक डाउन हो चुका है, देख सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन माय लूपबैक, राइट। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू पिंग 30.30.30.30, वो पिंग हो रहा है, लेकिन अगर मैं उसको लूपबैक के थ्रू पिंग करने की कोशिश करता हूं तो लेट्स सी क्या बिहेवियर दिखाता है, ये क्या दिखा रहा है, ये यस इनवैलिड सोर्स इंटरफेस, बिकॉज़ वो इंटरफेस सही नहीं, यस इंटरफेस इज डाउन, दैट्स व्हाई। ओके, सो हम लोगों को उस इंटरफेस को अप करना पड़ेगा, उसके बाद पिंग करके चेक करना पड़ेगा। दिस आर द बेसिक स्टैटिक कॉन्फिगरेशन मेथड्स। एनी डाउट हियर? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग हियर? यस करेक्ट, R2 के ऊपर बोल रहे हो कि R3? ओके, ओके, लेट मी क्लियर दिस वन। अगर हम लोग R2 के ऊपर 10 के नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं एज अ स्टैटिक राउट, सो दिस इज योर R2, दिस इज योर ओन गेट, ओके, हमें हमेशा डालना पड़ता है नेक्स्ट हॉप, सो नेक्स्ट हॉप इज 1.1.1.1, ओके, सो वी हैव टू कॉन्फ़िगर दिस वन। सो अगर मैं मेरे डिवाइस R2 के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.1.1.1 मैंने डाला हुआ है, सो दैट मीन्स अवर कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। ओके, अगेन लेट मी जंप टू माय राउटर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंटरफेस लूपबैक 0 को अप करना है, जो कि मैंने मैन्युअली डाउन किया था, नो शटडाउन करके अप कर दिया। लेट्स सी नाउ, आई कैन सी माय ट्रैफिक इज गोइंग, सी इफ आई वांट टू पुट द रिपीट काउंट, रिपीट इन द सेंस आप मल्टीपल पैकेट्स भेज सकते हो, लेट्स सी 100 पैकेट्स, सी इफ आई वांट टू पुट 10,000 पैकेट आई कैन पुट इट। इन केस अगर मेरा बीच में 30.30.30.30 ये नेटवर्क अगर डाउन चला गया तो क्या होगा, कोई बता सकता है? वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यस, लेट्स सी इंटरफेस लूपबैक 0 शट डाउन, नाउ लेट्स सी इज ड्रॉप्ड,
अनरिचेबल, यू स्टैंड फॉर अनरिचेबल। जैसे मैं नो शट डाउन करता हूं, लेट्स सी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, सी स्टार्टेड। तो हमारा जो पैकेट ड्रॉप हुआ था वो हम लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पे पैकेट हमारा ड्रॉप हुआ था, व्हाट इट। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पे, कुछ पूछना है? ऑलराइट, तो अभी हम लोग स्टैटिक राउटिंग के अंदर थोड़े एडवांस लेवल पे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस टोपोलॉजी को थोड़ा एनहांस करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टोपोलॉजी को थोड़ा एनहांस करना, ऑलराइट। तो मैं एक यहाँ पे और एक नोड को ऐड कर देता हूं, सिस्को IOL, एक और एक नोड ऐड कर देता हूं मैं, मतलब एक नया डिवाइस ले लेता हूं। अभी यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी करना है। जब भी हम लोग रियल डिवाइसेस के ऊपर कनेक्टिविटी करते हैं तो हम लोग डिवाइस को बंद नहीं करते, अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें यहाँ पे बंद करने की जरूरत है। तो मैं बंद करने के पहले राइट करता हूँ, राइट से क्या होता है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड होता है, मतलब सेव हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन। सेम थिंग ऑन राउटर 2 एंड सेम थिंग गोस फॉर राउटर 3। यहाँ पे मेरा राउटर कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। सभी डिवाइसेस को एक साथ बंद करने के लिए मैं मोर एक्शन के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे स्टॉप ऑल नोड्स, मतलब स्टॉप ऑल डिवाइसेस, और राइट हैंड साइड पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। फिर से कनेक्टिविटी करता हूँ मैं, यहाँ पे 0/1 टू यहाँ पे 0/1 के बीच में कनेक्टिविटी कर देता हूँ। इजी टू अंडरस्टैंड, एज वेल एज यहाँ पे और कनेक्टिविटी करना है, करेक्ट। 0/0 टू 0/0 पे कनेक्टिविटी कर चुका हूँ, ऑलराइट। अभी थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, अभी थोड़ा आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो IP एड्रेस असाइन करने वाला हूँ वो है 3.3.3.1, राइट, 4.4.4.1, राइट, एंड द नेक्स्ट वन इज 4.4.4.2, डन। गॉट इट गाइस, ओके। सबसे पहले तो बेसिक IP एड्रेस कॉन्फिगर कर देता हूं, राउटर 1, राउटर 3 एंड राउटर 4। उसके बाद हम लोग स्टैटिक के अंदर कॉन्फिगर करेंगे। आई नो इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड नाउ, ओके, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग CCNP। CCNP में अगर सब चीजें बेसिक तरीके से होती तो हम लोग CCNP क्यों करते, गेटिंग माई पॉइंट। हर चीज यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अभी तक तो बेसिक फाउंडेशन मैंने क्लियर किया तुम्हारा, वैसे तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर था, लेकिन हम लोगों ने और अच्छे तरीके से क्लियर किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया अभी हम लोग, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं डिवाइस को ऑन कर देता हूँ, सभी डिवाइसेस को एक साथ, स्टार्ट ऑल नोड्स, सभी डिवाइसेस स्टार्ट हो रहे, राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं नोटिफिकेशंस। डिवाइस 1, उसके ऊपर मुझे IP एड्रेस असाइन करना है। ऑलरेडी मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव किया था, स्टिल मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देता हूँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। जैसे कि मुझे होस्ट नेम दिख रहा है तो मैं समझ गया कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है। यहाँ पे मैंने गलत कमांड डालने की वजह से डोमेन सर्वर का एरर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, आई कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन, आई कैन सी द राउट्स, एवरीथिंग इज गुड। इंटरफेस इतने 0/1, IP एड्रेस 4.4.4.2 255000, नो शटडाउन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज माई राउटर 4 एक्चुअली, ओके। सो लेट मी जंप टू माई राउटर 4। राउटर 4 के ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन। आई जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर इट एवरीथिंग। इंटरफेस इतने 0/1, IP एड्रेस 4.4.4.1 255000, नो शट डाउन। एंड इंटरफेस इतने 0/0, IP एड्रेस 3.3.3.2 255000, नो शट डाउन। ऑलराइट, दिस आर द टू थिंग्स विच वी हैव डन इट ऑलरेडी।
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड व्हाट वाज लुक बैक यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओके If you don't know anything about this one, just stop me and ask me what I am doing here. Interface, I'm just doing the basic IPADS configuration here, nothing much. Alright guys, we have done the basic configuration here, as well as I have configured the loopback here, which is 40.40.40.40/32. I have configured over here. That's it. Now the whole topology is changed. Okay. Before that, how many networks you had? 5 networks, right? अभी कितने networks हैं आपके पास? मुझे बता सकते हो कोई? दो networks बढ़ गए या 3 networks? Correct. Exactly. ठीक है तो मुझे बताइए अभी 3 नेटवर्क कौन से न्यू वाले नेटवर्क लिखता हूं मैं यहां पे तो एग्जैक्टली करेक्ट ऑलराइट करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट वन ओके फाइन R1 के पास मिसिंग नेटवर्क कौन सा है अभी बताओ यस R1 के पास 4 का नेटवर्क ऑलरेडी कनेक्टेड है करेक्ट बात है ऑलराइट ठीक है तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको ना ब्रैकेट में लिख लेता हूँ न्यू नेटवर्क तो ताकि हमें यही कॉन्फ़िगर करना है तो हम लोगों को थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में ठीक है मैं रियल प्रोडक्शन में भी इसी तरीके से करता हूँ तो इससे क्या होता है कि मेरा काम ही खुद को आसान बना देता है ठीक है अभी ये मेरे कौन से नेटवर्क का है ये मेरे राउटर 2 का है तो इसको ना मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका छोटा कर देता हूँ काफी ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं आई डोंट नो अभी कहाँ से होगा एनीवेज छोड़ो कोई दिक्कत नहीं हम लोग यहाँ पे नीचे में कर देते हैं R2 के लिए कौन सा रहेगा बताऊँ R2 के ऊपर अभी कौन से मिसिंग नेटवर्क है R2 के पास नाउ लॉजिकली सोचो आप करेक्ट हाँ और All right, good. Correct. New. This one is new and this one is new. Okay. R3 के पास. Correct. That's cool. एंड R4 के पास तो पूरा का पूरा ही बनाना पड़ेगा हमें करेक्ट सब कुछ बनाना पड़ेगा और राइट फाइन सो सबसे पहले R1 के ऊपर जाते हैं हम लोग ना कंफ्यूजन को थोड़ा अवॉइड करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते हैं R1 के पास जाके सबसे पहले कॉन्फिगर करते हैं IP राउट विच इज न्यू नेटवर्क 3.0.0.0.0.255.0.0.0.10 नेक्स्ट हॉप यस एग्जैक्टली कर कर सकते हैं दोनों को भी लेकिन अभी हम लोग ना थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं हम लोग शॉर्टेड वाला पाथ ढूंढते हैं शॉर्ट वाला तो शॉर्ट वाला एग्जैक्टली ये शॉर्ट वाला है हम लोग शॉर्टेस्ट वाला ढूंढ रहे हैं अभी फिलहाल ठीक है जैसे कि अभी मैं तुम्हें एक चीज एग्जांपल बताता हूँ कि आपको दिल्ली से आना है आगरा दिल्ली से आगरा कितना किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट कितना है आपको पता है कुछ चलो 250 किलोमीटर है ठीक है एक रूट है जो आप जब आप बस से जाओगे तो 250 किलोमीटर पड़ता है लेकिन ट्रेन से जाओगे तो 350 किलोमीटर पड़ता है और बाइक से जाते हो या तो कार से जाते हो तो आपको 150 किलोमीटर पड़ता है तो आप कौन सा रूट प्रीफर करोगे एग्जैक्टली करेक्ट तो हम लोग यहाँ पे भी वही प्रिपेयर करेंगे जो सबसे कम पड़ रहा है ठीक है तो अभी यहाँ पे ये तो मेरा हो गया सबसे कम डिस्टेंस वाला राउट
अभी आईपी राउट 40 के नेटवर्क के लिए बताओ। करेक्ट, डन, राइट। शो आईपी राउट स्टैटिक पिंग 40.40.40.40 पिंग हो रहा है, कोई नहीं, दैट मींस अवर कॉन्फ़िगरेशन सर करेक्ट। नाउ राउटर वन का हो गया कॉन्फ़िगरेशन, नाउ लेट मी जंप टू द राउटर टू। राउटर टू के ऊपर तीन नेटवर्क है, थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। आईपी राउट 3.0.0.0 255.0.0.0 कैसे जाओगे, कौन सा शॉर्ट है, 2.2.2.2। ओके, नेक्स्ट वन इज 4 के नेटवर्क के लिए, शॉर्टेस्ट वाला चाहिए मुझे शॉर्टेस्ट चाहिए, शॉर्टेस्ट 4 के नेटवर्क के लिए बोल रहा हूं मैं, नॉट 40, 4। करेक्ट, ओके, नाउ 40 के नेटवर्क के लिए बताओ। करेक्ट, चलो हम लोग दोनों कर लेते हैं कॉन्फिगर, दोनों रास्ते हमारे पास इक्वल बन रहा है, करेक्ट, ठीक है। बस से जाओ 150 किलोमीटर, कार से जाओ 150 किलोमीटर, तो कौन सा पाथ प्रिफर करोगे, दोनों पाथ प्रिफर करते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये डन हो गया, राउटर थ्री के ऊपर जंप करते हैं। आईपी राउट 4.0.0.0 255.0.0 3.3.3.2 करेक्ट, ऑलराइट। आईपी राउट 40.0.0.0 255.0.0 3.3.3.2 करेक्ट, सो आईपी राउट सेटिंग, ओके, डन। नाउ आर फोर के ऊपर अभी हम, हाँ जी बोलो, ऑलराइट। होस्ट नेम आर फोर, बेसिक आईपी एड्रेस इज ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड आई गेस, लेट्स सी, ओके, वी हैव कॉन्फिगर्ड इट। अभी हम लोग स्टैटिक राउट चलाते हैं। अभी यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क करना पड़ेगा कॉन्फिगर बताओ। यस यस करेक्ट, एग्जैक्टली 1, 2, 10, 20, 30। तो सबसे पहले आर वन के ऊपर जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है वो कर लेते हैं। आईपी राउट 1.0.0.0 255.0.0 गेटवे 4.4.4.2 करेक्ट, ओके, 10 के नेटवर्क के लिए भी रहेगा, राइट, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ओके। अभी मैं करता हूं 2 के नेटवर्क के लिए, 2.0.0.0 255.0.0.0 कहां से जाओगे बताओ, 2 के नेटवर्क के पास जा रहा है, 3.3.3.1 2 के नेटवर्क के पास जा रहा है, ठीक है। एंड 20 के नेटवर्क के पास जाने के लिए कौन से रास्ते है, राउटर 4 पे बैठा हूं मैं अभी फिलहाल, बताओ बताओ, दोनों है करेक्ट, तो दोनों कॉन्फिगर कर लेते हैं। एंड द लास्ट वन इज 30 का नेटवर्क, 30.0.0.0 255.0.0 द गेटवे इज डन, शो आईपी राउट दैट, ओके। तो यहाँ पे ना अभी हम लोग एक मस्त सी चीज सीखने वाले, राउटर वन के ऊपर जाता हूँ मैं, शो आईपी राउट चेक करता हूँ, तो ये क्या बोलता है कि 30 के पास जाने के लिए तुम्हारे पास दो रास्ते होने चाहिए राउटर वन के ऊपर, करेक्ट। यहाँ पे एक ही रास्ता दिख रहा है, मतलब ऊपर वाला,
हो सकता है हमने नीचे वाला रास्ता कॉन्फिगर नहीं किया हो सकता है, राइट? तो अभी हम लोग शो रन पाइप सेक्शन स्टैटिक ये कमांड का यूज करेंगे, जिसके अंदर इस तरीके से नहीं दिखता है शायद यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आईपी राउट करके यूज कर लेंगे उसके बाद स्टैटिक के मुकाबले आईपी राउट। ये देखो हम लोगों ने 30 के नेटवर्क के लिए एक ही वे कॉन्फिगर किया है, दूसरा भी वे कॉन्फिगर कर लेते, करेक्ट? नीचे से भी जा सकते हैं ना 30 के पास, करेक्ट? ठीक है, अभी शो आईपी राउट चेक कर, क्या मैं देख सकता दो पाथ अभी? गॉट इट? ओके, सेम एज, हाँ यस, शो शो रन पाइप सेक्शन। जैसे कि अभी तुम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो क्या यूज करते हो? आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, करेक्ट? वही कमांड यूज करते हो। तो अभी मैं खाली राउट लिखता हूँ, तो राउट नाम के जो भी कमांड्स मैंने राउटर के ऊपर चलाई है सब आ जाएंगे। आगे गॉट इट? ठीक है, अभी जस्ट मैं खाली ये नेटवर्क डालता हूँ तो ये नेटवर्क का जो भी कुछ है वो सब आ जाएगा, शो रन पाइप सेक्शन 20 का नेटवर्क। आ गया, समझ में आ गया क्यों चलाते? करेक्ट, एग्जैक्टली, डन। चलो ओके, सो ये तो हो गया मेरा कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैं जाता हूँ राउटर 3 के ऊपर, राउटर 3 से 10 के नेटवर्क के पास जाने के लिए भी मेरे पास दो पाथ होने चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, शायद से मैंने यहाँ पे भी वो चीज छोड़ दिया है। देख सकते सिंगल पाथ दिख रहा है, नीचे वाला पाथ मुझे कॉन्फिगर करना पड़ेगा, शो रन पाइप सेक्शन राउट, आई कैन सी नीचे वाला पाथ कॉन्फिगर नहीं है, तो मैं उसको कॉन्फिगर कर लेता हूँ आईपी राउट 10.0.0.0.255.0.0.0.3.3.3. शो रन पाइप सेक्शन राउट, देख सकते दो नए पाथ आ गए, शो आईपी राउट, गॉट इट? क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया आपका? ओके तुम्हारा तुम्हारा अभी स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है? अभी तुम्हें आधी चीजें उसमें की छोड़ देना है, मतलब भूल जाना है, अभी तुम्हें एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है। अभी वो चीज क्या है वो मैं बताता हूँ। यहां से मतलब 10.10.10.10 से 30 के नेटवर्क के पास जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते? दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता और दूसरा रास्ता, ठीक है? अभी टेक्निकल टर्म में इसको ऊपर वाला रास्ता या नीचे वाला रास्ता नहीं बोल सकते, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हमले साउथ, सॉरी दिस इज माय नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द साउथ, ओके? सो नॉर्थ बाउंड एंड द साउथ बाउंड, हम लोग ये टर्म यूज करेंगे इन अ कंपनी और प्रोडक्शन, नॉर्थ बाउंड डायरेक्शन एंड द साउथ बाउंड डायरेक्शन, गॉट इट? ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक नॉर्थ एंड एक साउथ, ठीक है? साउथ मतलब नीचे का एंड नॉर्थ मतलब ऊपर साइड का, गॉट इट? सो अभी ये दोनों के दोनों देखने के बाद मुझे पता चलता है कि वो दोनों इसलिए दिख रहे यहाँ पे शो आईपी राउट करने के बाद, बिकॉज ये इक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग हो रहे, इसके वजह से। अभी इक्वल कॉस्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग मतलब क्या? दोनों का एडी वैल्यू देखो, सबसे पहले वन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज वन, राइट? तो ये दोनों के दोनों सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के थ्रू जा रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल है तो सिंगल ही एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी हम लोगों को कंपनी ने क्या बोला है कि अभी तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें ओनली नीचे का ही पाथ प्रिफर करना चाहिए, ऊपर वाला पाथ प्रिफर करना नहीं चाहिए। मैं बोला चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ये इंटरफेस को शट डाउन करता हूँ। अगर मैंने इस इंटरफेस को शट डाउन किया तो मैं नीचे के पास से 30 के पास पहुंच सकता हूं, क्या लगता है पहुंच पाऊंगा? कॉन्फिगर है अभी हमारे पास, चलो
करेक्ट, मैंने शट डाउन कर दिया। अगर मैं पिंग करने की कोशिश करता हूँ, पिंग हो रहा है एंड शो आईपी राउट चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरा एक राउट निकल गया है। इंटरफेस इथरनेट 0/0 नो शट डाउन। अभी देख सकता हूं मेरे पास दोनों राउट्स आगे फिर से नो शट डाउन जैसे किया। बट रियल प्रोडक्शन में शट डाउन करोगे ये तो कोई सेंस की बात नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि आपके पास दो मोबाइल है, लेकिन आपको दो मोबाइल है तब ऐसे यूज करना है कि अगर आपका एक मोबाइल पे कॉल नहीं लगता तो दूसरे मोबाइल पे जाना चाहिए कॉल, ठीक है? तो आप सोचते हो कि चलो मैं एक मोबाइल शट डाउन कर देता हूँ, फिर मोबाइल रखने का मतलब ही क्या हुआ? कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो सेम एज अगर मेरे पास कोई लिंक है, मैं उसको शट डाउन करके रखूँ, तो उसको कॉन्फिगर करने का मतलब ही क्या? तो इस चीज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो दे केम विद अ कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। अभी फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फ्लो FLOATing स्टैटिक राउट। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट में हम लोग मैन्युपुलेशन करेंगे किसके साथ? एडी के साथ। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, मैन्युपुलेशन करेंगे एडी के साथ, मतलब हम लोग इसके एडी के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। जैसे हम लोग इसके एडी के साथ प्ले करेंगे तब हम लोग अपने राउट को चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, ऊपर वाला जो पाथ है मेरा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन वाला पाथ, नॉर्थ डायरेक्शन वाले पाथ का मैं एडी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ाना है? सबसे पहले आपको चेक करना है शो रन करके स्टैटिक का कॉन्फिगरेशन। इसमें से दोनों राउट में से आप मुझे बता सकते हो जो नॉर्थ बाउंड वाला डायरेक्शन है वो कौन सा है? करेक्ट, ठीक है, तो मैं उसका एडी बढ़ा देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है? तो मैं कैसे बढ़ाता हूँ वो दिखाता हूँ। सबसे पहले ना मैं ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, किया, क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। क्वेश्चन मार्क डालने के बाद यहाँ पे दिखता है डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउट, मैं इसका एडी बढ़ा के 10 कर देता हूँ। जैसे मैंने इसका एडी बढ़ा के 10 कर दिया और मैं शो आईपी राउट चेक करता हूँ, तब यहाँ पे मैं देखता हूँ 30 के नेटवर्क के पास जाने के लिए एक ही राउट दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में दो राउट है, राइट? मैंने अभी इंटरफेस को डाउन नहीं किया है, वो इसलिए ये एक ही राउट दिखा रहा है, क्योंकि ये क्या बोलता है, जैसे कि सेम एज मैंने, मेरे पास एक कार है ये वाली दिल्ली में और ये है आगरा में, करेक्ट? दिल्ली से जब मैं कार से जाता हूँ और आगरा तक, तो यहां से दोनों साइड में मुझे सेम डिस्टेंस मिल रहा है 100 किलोमीटर, करेक्ट? बट मैंने घर वालों को बोला कि नहीं, यहाँ से अगर आप जाते हो ना, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है और नीचे से जाओगे तो बराबर 100 किलोमीटर पड़ेगा। तो घर वाले ने मेरी बात मान ली, तो घर वाले कौन सा पाथ चूज करेंगे अब बताओ? नीचे वाला पाथ चूज करेंगे जो 100 किलोमीटर वाला है, राइट? शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेंगे। तो सेम एज यहाँ पे मैंने एडी के साथ कुछ इस तरीके से प्ले किया, मैंने ये बताया कि अगर आप ऊपर से जाते हो तो आपका एडी 10 है, और एडी का कैलकुलेशन कैसे था? एडी क्या बोलता है, जिसका सबसे कम छोटा एडी मतलब लोएस्ट वाला एडी वो पाथ प्रिफर करेगा। अभी जो लोएस्ट वाला एडी मतलब जो हमारे पास नीचे वाला जो पाथ है उसका एडी वैल्यू 1 है और ऊपर वाले का पाथ का 10 है, तो कौन सा पाथ प्रिफर करेगा? ऑब्वियसली लोएस्ट वाला, राइट? इन केस अगर मेरा ये पाथ डाउन हो गया तो ये पाथ ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे कि अगर आप घर से दिल्ली से आगरा जा रहे हो और आपको पता चला कि ये रोड पे बहुत ज्यादा फॉग है, एक्सीडेंट हुए गाड़ियों के, तो ये रास्ता जाम है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं, आप यही से जाओगे। गॉट इट? मेरा कंसर्न समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, फाइन। तो अभी मेरा जो ट्रैफिक है वो कैसे जा रहा है, पिंग कहाँ से जा रहा है वो चेक करो। ये जा रहा है 4.4.4.1 के थ्रू, करेक्ट, 30 के नेटवर्क पे। अभी मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस इतने 0/0/1 मतलब जो पाथ से ट्रैफिक जा रहा है उसी पाथ को डाउन करते। अभी डाउन करने से मेरा ट्रैफिक रुकेगा नहीं, मेरा ट्रैफिक जाएगा, लेकिन कहाँ से? ऊपर वाले पाथ से, जिसका एडी वैल्यू 10 है, जो हम लोगों ने किया थोड़ी देर पहले मैनिपुलेशन, राइट? इन केस अगर दोनों का एडी वैल्यू में 10 करता हूं, क्या वो फिर से लोड बैलेंस करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। करेंगे, लेट्स सी।
ये वाले पाथ का भी मैं एडी वैल्यू 10 कर देता हूं, नहीं आया अभी तक, ऐसा क्यों? आना चाहिए राइट। कोई नहीं, हम लोग फिर से ट्रबल शूट करते, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते, हमारा कॉन्फ़िगरेशन बराबर है कि नहीं। क्यों नहीं आया मुझे बताओ, बताओ आंसर बताओ, मुझे पता है क्यों नहीं आया, बताओ अभी। एग्जैक्टली हम लोगों ने इसको अप ही नहीं किया, अप करने की जरूरत है। ठीक है अप हो गया, अभी देखो शो आईपी राउट, ओ शो आईपी राउट इज कमिंग 10 10। सो इस ये है हमारा फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ पे कुछ पूछना है? नहीं, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। गेटिंग माय पॉइंट? डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे कि मैंने बताया आपको दिल्ली से आगरा जाना है, लेकिन आपको साउथ वाले डायरेक्शन से जाने का है, साउथ बाउंड से। तो आपने घर वालों को बना दिया, घर वालों को बोल दिया कि अरे ऊपर के पास से जाओगे ना तो वहां से 150 किलोमीटर बनता है, और नीचे वाले पास से जाओगे तो आपको बनेगा 100 किलोमीटर। तो घर वालों ने आपकी बात सुन ली। तो ये क्या कर रहे हो आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। मैनिपुलेशन किससे कर रहे हो? आपके बातों से कर रहे हो, आपके रूट से कर रहे हो राइट। नहीं, एग्जैक्टली हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकली राउटर के ऊपर डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। राउटर को नहीं समझ में आ रहा है कि सच्ची में उतना डिस्टेंस है कि नहीं। देखो यार, हम लोग अभी जैसे कि हमारे घर वालों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग उनको सच बात बता रहे कि गलत बात बता रहे। गॉट इट? तो सेम एज ये राउटर ने उस पर्टिकुलर राउट को बोला है कि तू ऊपर से जाएगा ना, तुझे 10 राउटर क्रॉस करके जाना पड़ सकता है, मतलब वो ऐसा बता रहा है। गॉट इट? लेकिन नीचे से जाएगा ना, एक ही राउटर क्रॉस करके जाना है, तो बोलेगा तो भाई मैं नीचे से चला जाता हूँ। गॉट इट? तो ये लॉजिकली प्ले कर रहे, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफिक मैनिपुलेशन इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको अनदर टर्म में बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। कुछ बुक्स में इन्होंने बोला है मैनिपुलेशन ऑफ एडी इन स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स आर सेम, सो डोंट बी कंफ्यूज इन दैट। क्लियर? और कोई डाउट, एनीथिंग एल्स डू यू वॉन्ट टू आस्क? Sure. You just go through this video once again. If you face any difficulties, just let me know, okay? Because क्या होगा? Practice करने से ही होगा. NP is like a professional level. तो NP में आपको practice करना ही important है. We cannot say, see, I cannot give the false promises कि देखने से हो जाएगा, कोई नहीं समझ में आ गया ना, that's it. नहीं, ऐसा नहीं है. NP में आपको practice करना पड़ेगा. अगर मैं Saturday Sunday भी class लेता हूँ, हमारा class 1.5-2 घंटा भी चलता है, तो वीकली आपको मिनिमम 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। मैं ज्यादा भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि 10-10 घंटे करो, 4 से 5 घंटा वीकली बहुत हो गया। ठीक है, सो दैट्स इट। हाँ, पीपीटी के अंदर ना मैं ऑफिशियल पीपीटी प्रोवाइड करता हूँ सिस्को की, जो मतलब सिस्को के ऑफिशियल बुक्स वगैरह, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स? No issue. I will share those things as well. Okay, that's it for the today's session. So tomorrow might be I'm not available, but next Saturday we'll connect. First, हाँ जी बोलो। I will share those recording with you as well. So don't worry about that. Sure. He will help you out for everything. So don't worry about that. मैं उनसे बात कर लेता हूँ।
और कुछ? एवरीथिंग इज गुड? करेक्ट, यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ओके फाइन। हाँ स्टैटिक का करेक्ट, यस। ओके, ठीक है, कोई नहीं। जब भी आप कोई इश्यू फेस करते हो तो आप मुझे पिंग करो, ग्रुप में पिंग करो। डेफिनेटली जो भी ट्रेनर्स अवेलेबल है मैं आपको लाइन अप करके उनके साथ करा दूंगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल इतना ही है, दैट्स इट, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो डू द प्रैक्टिस एंड यस, हैप्पी वीकेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, यप, थैंक यू।